फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में आज दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया गया है, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके सहयोगी रेहान को अदालत ने दोषी करार दे दिया, तो वहीं हथियार मुहैया कराने वाले तीसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब 26 तारीख को दोषियों के खिलाफ अदालत में सजा सुनाई जाएगी। इस मौके पर निकिता पक्ष के वकील ने बताया कि वह कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट हैं। अभी तौसीफ और रेहान को आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 34 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई है। तीसरे आरोपी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है, लेकिन वही निकिता पक्ष के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें अदालत से उम्मीद है कि आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। वही मृतका निकिता के पिता से जब बात की गई तो उन्होंने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए संतुष्टि जताई और कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है, आने वाली 26 तारीख को दोषियों को अदालत फांसी की सजा सुनाएगी, तभी जाकर उन्हें और उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। इस मामले में करीब 700 पेज की चार्जशीट पुलिस द्वारा दायर की गई थी और कोर्ट ने 3 महीने 22 दिन में सुनवाई पूरी करते हुए आज आरोपियों को दोषी ठहराया है। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने दो आरोपी तौसीफ और रेहान का कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा था, फिलहाल दोनों को दोषी करार दिया गया है और तीसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाली 26 तारीख को फैसला सुनाया जाना है, उसके बाद वह अगर फैसले से संतुष्ट नहीं हुए तो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। वही सुनिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। नवीन, आज फैसला आने वाला है निकिता हत्याकांड मामले में, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीदें हैं फैसले से? देखिए, हमें अदालत से बहुत उम्मीदें हैं। जो हमारा संघर्ष 5 महीने का जो रहा है उसका रिजल्ट आएगा आज। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी और बाकी देखते हैं आज क्या होता है अदालत। 26 अक्टूबर 2020 से अब तक 5 महीने इस मामले में हो गए हैं, क्या इस बीच में कोई दबाव या किसी तरह की? देखिए, 5 महीना संघर्ष भरा ही रहा है पूरा, एक एक चीज़ तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन 5 महीना पूरा संघर्ष भरा रहा है और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज अदालत रिजल्ट दे और पॉजिटिव ही रिजल्ट की उम्मीद है हमें कि अदालत फांसी की सजा दोषियों को सुनाएगी। वीरेंद्र जी, निकिता हत्याकांड मामले में पहले दिन से आप परिजनों के साथ रहे हैं, लगातार हर मंच से इंसाफ की मांग करते रहे, फांसी की सजा तक की मांग की है, आज फैसला आने वाला, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले दिन से ही हर मंच से जिस बात को कह रहा हूँ, ये लव जिहाद का मामला तो है, उससे भी बढ़ के खूनी जिहाद का मामला है। प्री प्लान्ड तरीके से इसकी रेकी करके मेंटली प्रिपेयर होके इस बेटी की हत्या की गई और मेंटली प्रिपेयर होके जो हत्या की जाती है रेयर ऑफ द रेयरस्ट के केस में आती है। और मैं शुरू से इस बात की, सारा समाज इस बात की मांग कर रहा है कि इन हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। आज भी सरकार से हम यही न्याय की गुहार करेंगे कि इनको, हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। न्यायालय जो भी फैसला देगा, हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे। विद्वान न्यायाधीश जो भी फैसला देंगे, हमारा उनका फैसला शर्माते है, हम सम्मान करेंगे। लेकिन अगर फांसी की सज़ा इस बेटी को नहीं मिली तो हायर कोर्ट में हम अपील करेंगे और टिल लास्ट तक हम फांसी की सज़ा इन हत्यारों को दिलवा के रहेंगे। जो 3 अभियुक्त थे उनमें दो अभियुक्तों को जो है उन्होंने, जो 3 अभियुक्त थे इसके अंदर हत्यारे 3, उनको जो है दो को दोषी मुक्त दोषी ठहराया गया है और उनके लिए 26 तारीख को अदालत उन पर क्या सज़ा है इसका फैसला करेगी और हमें उम्मीद है कि ज़रूर फांसी की सज़ा उनको मिलेगी। एक को बरी कर दिया गया है, दो तौसीफ और एक और जो रेहान था, दो निर्भर। देखिए, उस पर आरोप था कि उसने हथियार मुहैया कराया है, लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि हथियार तौसीफ के पास था, आर्म्स एक्ट तौसीफ पे लगाया है और उसको न्यायालय ने अपनी अपने जो है जजमेंट में उसको बरी कर दिया। वो न्यायालय जाने के सब की तारीखें लगी, 31 में आज फैसला सुनाया गया है, क्या उम्मीद करते हैं, किस मांग के इस चीज़ की आपकी फांसी? हमारी मांग है कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के फांसी की सजा जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा। एक लंबा वक्त रहा है, लंबा दौर रहा है और जिस तरीके से जिरह हुई है, लंबी जिरह के बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है, सजा पर बहस भी होगी क्योंकि एक बरी भी कर दिया गया, क्या उसके लिए भी अपील करेंगे वो? हमारे जो एडवोकेट्स लॉबी है वो देखेगी और डिसाइड करेगी आगे के लिए इसका क्या एक्शन लेना है। लेकिन आप फांसी की मांग करेंगे? जरूर, 100% फांसी की हमारी मांग है और उम्मीद है हमें न्यायालय जरूर इस पर
इस दौरान आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो, कोई आप क्या मांग थी वो पूरी हुई हो? सरकार की तरफ से अभी हमें कोई मदद हमें नहीं मिली है, आश्वासन दे रखा है वो शुरू से ही। तो क्या मांग की थी आपने? कुछ कोई मांग पूरी नहीं अब तक सरकार बेटी बचाओ का सरकार की तरफ लिए अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। जी जी जी, तो इसके लिए हम डिस्कस ना करें ज़्यादा बेटर रहेगा। बोल चल दिया दो मिनट। वकील साहब, आज निकिता हत्याकांड में तीनों आरोपियों को पेश किया गया था, क्या फैसला आया है? आप कितने संतुष्ट हैं इस फैसले से, क्योंकि आप दोषी पक्ष के वकील हैं? लॉयर होने के नाते मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड किया तौसिफ को एज वेल एज रिहान को, दोनों को ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा था सिंस द बिगनिंग ऑफ द केस। तो अब आज जजमेंट वर्डिक्ट आया है और अजहरुद्दीन थर्ड अक्यूज था जिसने फायर आर्म जो जिसके पास एलिगेशन फायर आर्म सप्लाई के थे उसको अक्यूट कर दिया है, एंड ऑनरेबल कोर्ट ने तौसिफ एज वेल एज रिहान इनको 302, 34 एंड 120 बी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट, इन तीनों इन सारे सेक्शंस में उनको गिल्टी होल्ड किया है। अब डेट आगे एडजर्न की है क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए, जिसमें ये बताया जाएगा कि उनको सेंटेंस कितना होगा। अगली डेट अब जो 26 फ्राइडे की डेट है, फ्राइडे को डिटेल्ड ऑर्डर हमें मिलेगा और प्रॉपर सेंटेंस अवॉर्ड किया जाएगा कि ऑनरेबल कोर्ट क्या सेंटेंस अवॉर्ड करती है। तो आप जो उसी पक्ष वकील हैं, कहीं आगे भी कोई फाइट होगी क्या सर? अभी पहले हम फैक्ट्स देख लें, एक बार डिटेल्ड ऑर्डर आ जाए उसको देखने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। डेफिनेटली वी विल मूव टू द हाई कोर्ट। अगर हम यहाँ पर हमने एम्पल एविडेंस ऑलरेडी दिया था, डिफेंस हमने स्ट्रॉन्ग दिया था, बट देखते हैं अभी डिटेल आगे क्या आती है जजमेंट। ठीक है, थैंक यू, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। इसमें तीन दोषी थे, एक तौसिफ, दूसरा रेहान, तीसरा अजहरुद्दीन। तो आज कोर्ट ने अपना 5 महीने बाद इसमें तौसिफ और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B बटे 34 IPC में दोषी करार दिया है और सेक्शन 366 511 बटे 34 में IPC में दोषी करार दिया है और एडिशनल जो तौसिफ है उसको 27(1) आर्म्स एक्ट में अलग से दोषी करार दिया, इनकी दोषी करार देने के बाद 26/3/2021 को इन पर सजा सुनाई जाएगी। सर, अजहरुद्दीन पर क्या अदालत का फैसला था? अदालत ने बरी कर दिया, अजहरुद्दीन को बरी कर दिया। क्या आर्म्स एक्ट भी नहीं है उसके ऊपर? आर्म्स एक्ट भी नहीं, कहीं ना कहीं सर प्रोसिक्यूशन क्या साबित नहीं कर पाया कि जो हथियार था वो किसने मुहैया कराया था? अजहरुद्दीन ने कराया था। अब जो भी अब जो फैसले के बाद ये जजमेंट आने के बाद ही देखा जाएगा उसमें क्या कमी रही, क्या चीज जिस वजह से इनको बरी किया गया। क्या रेहान पे भी 511 और 366 पे भी है? हाँ, 302 भी, दोनों पर, दोनों उसमें आप सभी धाराएं कंप्लेंट रेहान पे आम फैक्ट है, निकिता उसी पे एक्स्ट्रा लगी है। अच्छा, रेहान पे आम फैक्ट नहीं है, तो मैं आरोपी रेहान पे नहीं है, तो उसी पे आम जैसा। शुक्रवार को अब इस पर बहस होनी है, क्या आप चाहेंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में ही आए? उसमें बहस 26 को होगी। आप क्या मांग करेंगे सर? हम तो फांसी की मांग करेंगे, फांसी की मांग करेंगे। बाकी अदालत से जो अपना फैसला सुनाएगा सर, हम अदालत के फैसले का मान सम्मान करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमने लगाया ये केस और कुल मिला के 5 महीने से भी 2 दिन कम में ये फैसला आ गया और इससे जरूर जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं उन सारों पर जरूर इसका असर पड़ेगा, ये इतना जल्दी फैसला आने से। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक